नाम है शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवा थायरी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ी बीमारी क्या कहेगी जनता हमारी। सही पकड़े बिल्कुल आप। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि दूसरे इंसान के व्यूज़ मुझे क्यों मैटर नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं मानता हूँ आजकल अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि सबसे बड़ी बीमारी क्या कहेगी जनता हमारी। कि मेरे को यही लगता है कि भाई अगर मैं ये काम कर दूंगा तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप एक बात बताओ, आप आज आए, अपने घर आए, आप कुछ करना चाह रहे हो, आप कुछ हटके करना चाह रहे हो और लोगों से अलग करना चाहते हो, आप कुछ और मतलब दिखाना चाहते हो कि यार हाँ आप में है ये दम, आप ये करना चाहते हो, मतलब आपका जो मेन एम है वो जो फिलहाल प्रेजेंटली जो आप कर रहे हो वो नहीं है, दूसरी कुछ है, दूसरी कोई चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, क्या आप वो नहीं करोगे क्या? हाँ, आंसर हाँ भी इस चीज़ का कि नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कल आप ऑफिस जाओगे, फिर आप ये देखोगे यार कल तो फलाना लड़का मिलेगा, फलानी लड़की मिलेगी मेरे को, वो क्या कहेंगे, देख क्या कर रहा है। भाई ये ही तो समझने वाली बात है कि आपको किसी और के ओपिनियन को अपने ऊपर इतना हावी होने नहीं देना है, क्योंकि वो जिस फील्ड में अच्छे हैं वो काम कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में अच्छे हो आप वो काम करो ना। वाई आर यू फोकसिंग ऑन डैट पॉइंट कि यार वो क्या कहेगा, उस पॉइंट को हटा दो। जब भी दिमाग में बातें रहेंगी ना आपके कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये क्या कहेगी, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने दिमाग में ये ले आओ आप कि मेरे को चाहे दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे को करना वही है जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब अच्छा क्या लगता है, ये नहीं किसी का सिर फोड़ना अच्छा लगता है। भाई किसी का सिर फोड़ोगे तो वो तो सब कुछ बुरा लगेगा ना। कुछ ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हो पर इसी वजह से अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार वो बंदा क्या कहेगा। देखो बहुत से लोग होते हैं कि जिन पे ना ये मतलब ये थॉट जो है वो हावी हो चुका है, वो सोचेंगे भाई मैं तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बंदा क्या सोचेगा। भाई दो दिन सोचेगा, तीन दिन सोच लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बोलेगा भी क्या कर रहा है यार तू, ये क्या कर रहा है, छोड़ इसको। पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनमें खुद में एबिलिटी नहीं है, उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ। तो वो ना आपकी क्या करेंगे, लैग पुलिंग करेंगे, भाई तू भी मत कर, मैं नहीं कर रहा ना, तू भी मत कर। उनका पॉइंट ये है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर आपको कुछ अलग अचीव करना है ना लाइफ में, तो कुछ तो अलग करके दिखाओ उनसे, कुछ तो अलग बन के दिखाओ, जब भी तो वो आपको आगे आपकी भी रेस्पेक्ट करेंगे। आपका पॉइंट अब आप देखो क्या कहाँ पे मात खा रहे हैं हम लोग, हम कुछ अलग करेंगे नहीं, वो अच्छा कर ही रहा है दूसरा बंदा, वो करता ही रहेगा। और दूसरी बीमारी हमारे अंदर क्या है, हमेशा अपने आप को कंपेयर करेंगे दूसरे से। भाई उसका टैलेंट अलग है, तेरा टैलेंट अलग है, तुझे आगे बढ़ना है अपने टैलेंट से बढ़, उसके टैलेंट से नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काम अच्छा करो उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको मैंने बता दी कि दूसरे के ओपिनियन को ना इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ना पाओ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अभी अपनी बात करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि भाई अगर बच्चे सी एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो अब उसके बाद क्या करें, क्या वो घर में खाली बैठ जाए या सिर पकड़ के बैठ जाए फेल हो गए तो क्या करें, उस पर डाली थी। उसमें उस वीडियो में मेरे को, अगर मैं अभी तक का रिकॉर्ड करता हूँ, 5 दिन पहले वो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उस पर 100 लाइक्स मिले हैं, 7 डिसलाइक्स मिले हैं। तो क्या अब मैं उन 7 डिसलाइक्स को अपने डिसमोटिवेशन बना लूँ, ये सोच लूँ कि भाई 7 लोगों को अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं आगे से बनाऊंगा? गलत बात है। देखो आपका काम है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा भी लगेगा, क्योंकि मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके का कस्टमर है आपके लिए। तो आप जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे, यानी अच्छा सोचो अच्छा ही मिलेगा। अपने काम की वैल्यू आप खुद करो, जब तक आप अपने काम की वैल्यू खुद नहीं करोगे दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात को तो आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि आप तो अपने काम की वैल्यू करोगे नहीं और दूसरा वैल्यू करेगा। भाई कैसे करेगा, आप तो खुद नहीं कर रहे ना, दूसरा क्यों करेगा आपके काम की वैल्यू? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। प्लस किसी पे भी निर्भर होना छोड़ दो। निर्भर होने का क्या मतलब है, सपोज़ मैं एक सी ए स्टूडेंट हूँ और मैं कोई मेरा क्लाइंट है उसके यहाँ मैं काम करता हूँ। ठीक है, सपोज़ वो मेरे को मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, किसी से रिलेट नहीं करना चाहता बट यही है कि बता रहा हूँ तो शायद आपको समझ आ जाएगा। हर संडे मैं उसके यहाँ पे जाता हूँ, वो मेरे से कहता है भाई काम कर, आने का तेरा टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं, 500 रुपये महीना देता है, हर संडे 500 रुपये देता है, यानी 2500 रुपये महीना, मान लो 4 संडे आते होंगे तो, 5 संडे आते होंगे तो, ठीक है 2500 रुपये हो गए। यार एक बात बताओ, क्या हमारी इतनी ही वैल्यू रह गई है क्या कि मैं अपनी वैल्यू एनालाइज नहीं कर पा रहा क्या, कि मतलब 5 संडे के 2500 रुपये, समझ पा रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? आप अपने काम की तो वैल्यू खुद ही करोगे ना, जब तक आप अपने काम की वैल्यू खुद नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे? एक एग्जांपल देता हूँ, किसी फर्म में कोई बच्चा बहुत दिनों से काम कर रहा है,
अब बात आती है सैलरी इंक्रीमेंट की। सैलरी इंक्रीमेंट के टाइम वो कहता है सर मेरी सैलरी आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब होता क्या है, तो वो सर उससे पूछते हैं उस लड़के से कि भाई तू बता तुझे क्या लगता है कि मुझे तुझे कितनी सैलरी मिलेगी। सपोज करो उसे परसेंटली 10,000 मिलती है और वो कह देता है सर मेरे को 13,000 मिलनी चाहिए। तो अब एक पॉइंट आता निकल के, आप ये बताओ जो सर हैं क्या वो इस बच्चे को 13,000 से ज़्यादा ऑफर कर देंगे कभी भी? बताओ आप खुद बताओ सोच के, नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि इस बंदे को अपनी वैल्यू ही 13,000 लगी। बोल दो, उसे पता है कि नहीं मेरी वैल्यू 15,000 है, पर वही वाली बात है ना कि जनता क्या कहेगी, वो क्या सोच रहा है कि ये सर क्या कहेंगे। भाई सर को जो कहना है वो कहेंगे तू उसे छोड़, तू अपनी वैल्यू बता, तेरा मन क्या है कहने का। तेरा मन है तुझे लगता है तू 20,000 का आदमी है, तू 20,000 बोल, ये मत सोच तू कहाँ खड़ा है, तू फेल होता है पास होता है कुछ भी होता है, तो उस चीज़ को छोड़ देना बिल्कुल, उस चीज़ को बिल्कुल अलग रखो। अगर आप पे काम अच्छा आता है तो अपने काम की वैल्यू करो यार, कोई नहीं ये क्या होगा, ये यहाँ से निकाल देंगे, इस जगह से निकाल देंगे, दूसरे कहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी वैल्यू एनालाइज करना सीख जाओ। कभी भी इस पॉइंट में मत सोचो कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे तो भाई सोचेंगे ही, बहुत चीज़ें सोचते हैं दूसरे, तो काम ना करूँ। अजीम प्रेम जी ने भी कही थी ये बात कि इफ़ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल, अगर लोग आपके गोल्स पर नहीं हंस रहे हैं इसका मतलब तो आपके गोल्स ही बहुत स्मॉल है। तो मतलब यही है कि आपको अगर कुछ मन है करने का तो करो, मन नहीं है तो मत करो। कभी भी दूसरे के हमें आस्तिक नहीं होना है, दूसरे के लिए नहीं सोचना ये क्या सोचेगा, भाई जो सोचेगा सोच, मेरे से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे थॉट के लिए। आप कुछ भी कहो करो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा मन है कि मैं यही करूँगा यही काम करूँगा, मेरा मन ये कहता है तो मैं डेफिनेटली यही काम करूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ही मेरे पॉइंट क्लियर हुए होंगे और यही मेरे को आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना था। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें एक थम्स अप दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड बटन है उससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाऊंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।